मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से बाखबर रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। अच्छा, ये हो गया था। अब ये था कि I have only lost 3.5 kgs in 28 days. Is this is okay or do I need to look into my diet more? My work hours are very long and I definitely need strength to work. Definitely. देखें, अगर आपने 28 दिन में 3.5 kg कम किया है तो उसका मतलब है कि you know lost a decent amount of weight. असल में जो वेट लॉस भी जो है ना, वो आपकी सेंचुरी की तरह की चीज है क्रिकेट पे। तो जो इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, विकेट पे खड़े रहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सुनील गावस्कर जो है बड़ा स्लो स्लो खेलता था, लेकिन उसका रन रेट जो है वो शायद आफरीदे से ज्यादा है, क्योंकि वो अपनी एवरेज को पूरा कर रहा होता था। तो बहुत सारी दफा चौके छक्के मारने के चक्कर में इंसान की तबीयत खराब हो जाती है या कोई और इश्यूज आ जाते हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड एनालॉजी कि हम जल्दी के चक्कर में अपनी जो फाइनल सेंचुरी है उसको कम करें। तो अगर 28 दिन में आपका 3.5 kg गया है तो आप भी समझ लीजिए कि तकरीबन एक साल में आपका ऑलमोस्ट 36 kg चला जाएगा, अगर इवन इस स्पीड से भी जाए एक बार। दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ बॉडी मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करती है। कुछ की बॉडी जो है वो इनिशियली बहुत ज्यादा वेट लॉस करती है, बाद में स्टॉल कर देती है। कुछ की बॉडी जो है इनिशियली तौर पे बहुत ज्यादा स्टॉल होता है और बाद में फिर वो तेज हो जाता है। उसका वजह ये होती है कि टेक्निकली तौर पे जिनका शुरू में वेट तेजी से लॉस होता है और बाद में नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि जो उनके टॉक्सिन्स स्टोर होते हैं वो बॉडी में उस रीजन में होते हैं जहां से फैट बाद में निकलता है। तो अगर उनके पास एक क्लीन फैट आ रहा है जिसको वो इजिली मोबिलाइज कर सकते हैं तो आसानी से उनकी बॉडी फैट यू नो निकाल रही है। लेकिन अगर किसी का जो फैट जिस जगह से आ रहा है वहां पे टॉक्सिन ज्यादा है उस टाइम पे या उस रीजन के अंदर, तो उसकी बॉडी को ना सिर्फ फैट को यूटिलाइज करना है बल्कि उस टॉक्सिन को भी हैंडल करना है। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा कि जो ये फैट है बेसिकली ये हमेशा से स्पीड से जाएगा। वंस आपकी बॉडी का मैकेनिज्म सेट हो गया, वो टॉक्सिन्स वगैरह निकल गए, तो आपका तेजी से वेट लॉस होगा एक बार। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी दफा हमारा वेट लॉस उतना नहीं हो रहा होता जितना हमें लग रहा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा होता है, हमारे मसल मास जो है उसका वेट होता है, लेकिन जो हमारे इंचेस हैं वो कम हो रहे होते हैं। तो ये ज्यादा बेहतर बात है, क्योंकि कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसा दुबला हो जाए जो मोटा रहे। हर कोई ये चाहेगा कि एक ऐसा स्मार्ट हो जो कि प्रॉपर रिप हो, श्रेड हो, जिसके डिफाइन हो, उसके मसल्स हो, राइट? क्योंकि खाली हड्डी पे खाल जो है उसका कोई फायदा नहीं है, इनफैक्ट वो मुनासिब भी नहीं है, उसकी एक्टिविटी लेवल भी सही नहीं होता है। तो जो सबसे मुनासिब तरीका ये है कि आप अपनी स्टार्ट ऑफ द डाइट के अंदर अपने इंचेस को नाप लीजिए, जैसे कि कई पॉइंट ले लीजिए, हाथ का ले लीजिए, पेट का ले लीजिए, मुख्तलिफ पॉइंट्स बॉडी के ले लीजिए और उसको नापिए। और मुनासिब तरीका यह है कि हर वीक अपनी एक तस्वीर निकालते रहिए और उन तस्वीर को आपस में मैच कीजिए। क्या सूजन कम हो रही है, क्या चेहरे की गुलाई कम हो रही है, क्या जो पेट का सर्कमफ्रेंस है वो कम हो रहा है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपकी डायरेक्शन सही है, देर या सवेर वहां पे आप पहुंच जाएंगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि बहुत ज्यादा वेट स्केल के साथ जो है अपने आप को अटैच मत कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना इजी कम इजी गो, जिसने बहुत जल्दी उतारा उसका बढ़ भी बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि उसको उस चीज का उस पर डिसिप्लिन ही नहीं होगा। तो जो शख्स मेरे हिसाब से तो आपका बहुत अच्छा वेट गया है और प्लस ये कि जितना आप उसको डिसेंट और डिसिप्लिन के जरिए लेकर चलेंगी वो आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा, आपकी हैबिट बन जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा और आप अपने इर्द गिर्द घर वालों के लिए, अपने खानदान के लिए भी उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकेंगी फॉर हेल्दी चॉइसेस के लिए। क्योंकि ये एक गिमिक नहीं होगा कि जी एक गोली खाई तो उससे ये हो गया, क्योंकि इस तरह की चीजें ज्यादा से चलती नहीं है। यू नीड टू मेक यू नो बिल्डिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन।